आज मसाला किचन में बन रहे हैं बकलावा। ये बहुत ही अमेजिंग सी मिठाई है। ये बनेगी बिना अंडे के और बिना बाहर के शीट के। आज बनाएंगे हम बकलावा। बकलावा एक ऐसी मिठाई है जो हर जगह नहीं मिलती है, बहुत ही अमेजिंग है। यूं समझिए जो पेटीज होती है ये एक तरीके से मीठी पेटीज है। पेटीज मतलब पफ पेस्ट्री, बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे हम घर में घर के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। आप सभी को आसान सा खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को, और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। बकलावा बनता है अंडे से, फिलो शीट से और शहद से। तो आज इन तीनों चीज़ों को स्किप करके घर के इंग्रेडिएंट से मैं बना रही हूँ बकलावा घर में। तो ये है बकलावा जो कि हर जगह नहीं मिलता। ऐसी डिश को तो हमेशा हमें घर में बना के देखना चाहिए। आखिर क्या है, कैसे बनती है, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ ले रही हूँ एक बोल में 3 कप मैदा। 3 कप मैदा अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब करीब 400 से 450 ग्राम है। ये डिपेंड करता है, आप इसका आधा क्वांटिटी भी बना सकते हैं छोटी डिश में। मुझे आज चाहिए तो मैं एक बड़ी सी डिश में बना रही हूँ इसे। सबको घर में बेहद पसंद आता है और बहुत ही बढ़िया होता है। 3 कप मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 टीस्पून, 2.5 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, यही आपको भी डालना है। जिस कटोरी से मैंने मैदा नापा था 3 कटोरी, उसी कटोरी से आप आधा कप डाल दीजिए दूध। 1/4 कटोरी रिफाइंड ऑयल या मेल्ट किया हुआ बटर। मैं बटर बाद में यूज़ करूँगी, अभी मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है पानी। यहाँ मैंने 1/2 कप पूरा डाल दिया है, बाकी थोड़ा सा जो लगेगा वो मैं बाद में दिखाऊंगी। इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें कूटना है। तो एक बात बताइए, मैं तो इस फिलो शीट बनाने के लिए खूब सारी मेहनत कर रही हूँ। आपके यहाँ पे ये फिलो शीट मिलती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर तो आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है, 1/2 कप दूध डाल दिया है। अब इसे धीरे धीरे हम मिक्स कर रहे हैं। हमें ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि इसे थोड़ा सॉफ्ट गूंथना है हमें। 2-3 चम्मच पानी मैं और ले लेती हूँ और इसे गूंथ लेती हूँ। तो देखा ना ये कितना सॉफ्ट सा बना है। इसे लास्ट में थोड़े से तेल से और इसे सॉफ्ट सा कर देते हैं और चिकना कर देते हैं। अब इसे ढककर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सूखा पाउडर लिया है, 1/2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आरारोट ले सकते हैं। इन दोनों पाउडर को मिक्स करके आप अलग से रख दीजिए। ये है मेरे पास ड्राई फ्रूट की कतरन। ये मैंने 1/2 कप लिया है। वैसे तो मार्केट में प्योर पिस्ते से, प्योर अखरोट से बनाया जाता है, पर अगर कभी घर में ना हो तो काजू, बादाम, अखरोट सबको मिक्स करके भी इस तरीके से दरदरा कूटना है। मिक्सी से नहीं, खलबत्ते से कूट लीजिए। अब आती है इसे बेलने की बारी। यहाँ हम इसे पहले प्लेन कर देते हैं, फिर इसकी लोइयाँ बनाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाइए या फिर कोई भी चॉपिंग बोर्ड पर बनाइए। इसे थोड़ा मल लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब इसे 1/2 कट कर लेते हैं। इस 1/2 में से हमने 6 लोइयां बना ली हैं, मतलब कुल इस मैदे से हमारी 14 से 15 लोइयां बन जाएंगी। अब थोड़ा थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर को डस्ट करके इसे हमें बेलना है। यहाँ पर हमें मैदा जो लिया है कॉर्नफ्लोर अच्छे से लेना है, जिससे बहुत पतला मिल सके, बहुत पतला। अगर मार्केट में ये फिलो शीट मिल जाए तभी हमें काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अभी हमें कैसे बनानी है, पहले हमें पूड़ी के आकार की छोटी छोटी बेलनी है और बिल्कुल भी ना चिपके इसके लिए मैदा कॉर्नफ्लोर हमें डस्ट करते रहना पड़ेगा। अब पहले सारे मैदे की हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। अक्सर घर में जब बनता है तो इसमें अंडा डाला जाता है जिससे बहुत बढ़िया सी लेयर्स निकलें, या बहुत सारा घी लगाया जाता है, या मार्केट की फिलो शीट ली जाती है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बता रही हूँ। ये देखिए सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं।
अब एक एक पूरी को लेना है, उसके ऊपर ऑयल लगाना है, थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर को डस्ट करना है। अब दूसरी पूरी को इसके ऊपर रख देना है, फिर से वही ऑयल लगाना है, फिर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। इसी तरीके से हमें सारी लेयर बनानी है। बकलावा बनाने के लिए इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान तरीका है। 6 से 7 पूरी जो भी हमने बनाई थी, ये सारी एक दूसरे के ऊपर रख दी। ऊपर से हमें ऑयल नहीं लगाना है, बस मैदे को ही डस्ट करना है। अब बारी आती है इसे बेलने की। धीरे धीरे उठाना है और बेलना है। एक बात का याद रखना है कि इसके ऊपर डस्ट जरूर करना चाहिए बार बार, जिससे वो रोटियां आपस में चिपके नहीं। और ऊपर आगे पीछे पलटाना भी है, कभी उस तरफ से कभी पीछे की तरफ से। अब बीच बीच में से थोड़ी सी निकाल लीजिए इस तरीके से, ये देखिए। अब इसको पलट कर रखिए। ऐसा करने से होगा ये, इसमें बहुत बढ़िया लेयर्स बनेंगी। ये बकलावा डेजर्ट आपकी तरफ मिलता है, अगर आपने खाया है, कहाँ खाया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके से पीछे से भी बेलेंगे, फिर इससे भी एक रोटी निकालेंगे, एक या दो रोटी। इसे बेलने में हमें कोई कसर नहीं रखनी है, बिल्कुल पतला बेलना है। अब हमें ये देखना है कि हम बना किस में रहें। जैसे मैं इस टिन में बनाऊंगी, उस टिन की नाप के हिसाब से मैं पूरी रोटी को चौकोर काट लेती हूँ। जो साइड में पट्टियाँ हैं वो भी हमें काम आने वाली हैं। अब जिस डिश में बना रहे हैं, पहले थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लीजिए। अब धीरे धीरे इस रोटी को निकालते जाइए। इस रोटी को जब देखेंगे ना आप, इतनी पतली कैसी हुई, ये देखिए, ये आप ही ने बनाई है इतनी पतली। अब ये जो साइड से पट्टियाँ थी, उन्हें भी हमें अलग कर करके बीच में सेट करनी है, इन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। ये सारी पट्टियों को खोलते हुए हमें डालते जाना है, और ये सारी यूज़ भी हो जाएंगी। ये जो पूरी डिश बन रही है, पूरी 14 या 15 रोटियों से बनेगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी पतली है। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत पतली शीट है। और एक आध पट्टी डालने के बाद आपको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है। साइडों से भी अगर अनइक्वल हो तो टेंशन ना लें, इन पट्टियों को जोड़ते हुए उसे पूरा शेप दे दें। अब यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ डाल चुकी हैं, और ड्राई फ्रूट की कतरन थोड़ी थोड़ी डाल दी है। पिस्ते की कतरन मैंने रख दी है, उसे मैंने बाद में डालना है। अभी तो मैंने सिर्फ काजू, बादाम और अखरोट को डाला है। ये देखिए कितनी पतली है। कभी कभी आपको ड्राई फ्रूट डालना है, कभी कभी ऑयल लगाकर आपको मैदे से डस्ट करना है। बस यही करते रहना है। इसी तरीके से मैंने 7 रोटियों को डाल दिया है। 2 बार इस बीच ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दी थी। आप चाहें तो भरपूर मात्रा में और ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालते जाएं। जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतनी ही वो अच्छी बनेगी। इसी तरीके से मैं जो दूसरा लोया आधा रखा था, उसी से भी रोटियां बनाई हैं, पूड़ियां बनाई हैं, फिर उनको पतली पतली रोटियां बनाई हैं। बेलते हुए मैंने सारी लेयर डाल दी, पूरा ड्राई फ्रूट ख़त्म कर दिया। अब बारी आती है इसे कट करने की। कट यदि अभी हम नहीं करेंगे तो बाद में हम इसकी कट पूरी नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी शेप में चाहें इसे नीचे तक कट करते जाइए, किसी शार्प नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से। इस तरीके से मैंने चौकोर चौकोर काट देना है। मैंने 1/2 कप करीब बटर लिया है, इसे मेल्ट कर लिया है। अब इसे हर जगह थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। इसी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। साइडों से भी डालें और सेंटर में भी डालें। ये 3 कप मैदे से करीब करीब 1.5 से 2 किलो बन जाती है बकलावा। मैंने पूरी तरीके से सारा बटर डाल दिया है। अब इसे 180 या 200 पे आप कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए इसे बेक कीजिए। ये भी मैंने प्रीहीटेड ओवन में किया है, पहले से ही गर्म कर दें।
अब बनाते हैं इसकी चाशनी। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी चाशनी बनती है, जमे ना, इसके लिए हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं थोड़ा सा। इसे रखते हैं गैस पर, जब तक उधर हमारी बेक हो जाएगी ये, तब तक ये चाशनी भी बन जाएगी। यहाँ देखिए मेरे पास ये क्या है, वैसे तो नींबू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आएगा, आप चाहें तो नींबू के रिंड्स डाल सकते हैं, संतरे के रिंड्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है संतरे के छिलके से जो कैंडी बनाई थी। माँ ये कैसे करूँ हमारा जो दूसरा चैनल है, उसमें मैंने संतरे के छिलकों से कैंडी कैसे बनाएं वो डाली, वो मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वो डाल दी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो ऑरेंज एसेंस भी डाल सकते हैं या लेमन एसेंस। अब इसे पकने देते हैं। वैसे कई लोग यहाँ पर चाशनी नहीं हनी डाल देते हैं, लेकिन कई घरों में हनी नहीं खाई जाती, तो मैंने इसके लिए गाढ़ी चाशनी बनाई है, बिल्कुल शहद की तरह बनानी है। तो यहाँ देखिए चाशनी हमारी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी सी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं उस बकलावा को देखने के लिए। ये मैं निकाल कर आई हूँ, काफ़ी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया ये शाइन आएगी इसमें। अब ये जो गरम से चाशनी है, बकलावा भी गरम है, थोड़ा सा बकलावा को ठंडा करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे चाशनी। चाशनी हल्की गरम हो और बकलावा ज़्यादा गरम ना हो, उससे होगा ये काफ़ी अच्छी लेयर्स बनेंगी। अगर एकदम दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो लेयर्स उतनी प्रॉपर नहीं निकलेंगी। अब ये शहद जैसी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हमें हर तरफ से डालना है, जिससे काफ़ी ये मीठा बन जाए। तो है ना बहुत ही अमेजिंग सी चीज़, थोड़ा नमक भी है, ड्राई फ्रूट भी है और बहुत ही बढ़िया ये मीठा सा भी है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट की कतरन डाल रही हूँ, जो मैंने काजू बादाम पीस के रखी थी। थोड़ी देर बाद आप बची हुई चाशनी को भी यूज़ कर सकते हैं साइडों से डाल डाल कर। और ये ड्राई फ्रूट की कतरन या जो भी आपको डालनी है इस समय ही डालिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिस्ते की कतरन ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये चाशनी के साथ चिपक जाएगा ड्राई फ्रूट। तो लग रहा है ना ये बहुत ही बढ़िया सा डिश, जो मार्केट में मिलता है, घर में आसानी से बना नहीं सकते, उसे हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से घर में। 5-7 मिनट रुकने के बाद मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ। जहाँ हमने कट लगाए थे उसे थोड़ा सा कट और कर दीजिए। ये देखिए आपकी बकलावा मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये एक टर्किश डेजर्ट है, बहुत ही अमेजिंग सा है। ये देखिए काफ़ी सारी लेयर्स के साथ ये पफ पेटीज बनकर तैयार हुई है। हम तो इसे पफ पेटीज टाइप ही कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पफ पेटीज में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है लेयर्स बनाने के लिए, वो नमकीन बनाने के लिए, ये मीठी पफ पेटीज है। तो इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।